ये तो पहले सामान हमने निकाल दिया है, वो जो बोरों के अंदर जो है पैक था। हाँ जी, कुछ सामान जो ना आ रहा है। हाँ जी, वो कुछ रक्षे पे है सामान, वो देखूंगा। हबीबुल खान आपकी खिदमत में मैं आ गया हूँ। हाफ है अभी, मेरी नींद नहीं उखड़ रही, अभी भी नींद आ रही है। और सब्जियाँ खरीद आएगा, फ्रूट लेकर आएगा, आराम पे खरीदेंगे, आराम पे खाएंगे, और भी खरीदेंगे और वो भी खाएंगे। आपको एक मजे की बात बताऊं, बता दू ना, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खरिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपका भैया अल्ताफ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी सामान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। इसी नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हम जो ही वीडियो अपलोड करें फौरन आपके पास पहुंच जाए। हबीब अल्लाह तैयार हो गया। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, उम्मीद करती हूं कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हमें दो में याद रखे, हंसते मुस्कुराते रहे। अल्लाह ताला आपको सियात कामिल अता फरमाए। इस बेचारी की तबीयत काफी खराब है, पूरी रात खांसी ने इतना परेशान किया, अल्लाह माफ करे। आज काफी दिन हो गए, मुझे भी खांसी लगी हुई है, और ये बेचारे भी खांस खांस के बहुत ज्यादा परेशान है। अभी कह रही थी कि मैं वीडियो में नहीं आ सकती, मैं बोल नहीं पाती, मेरी आवाज नहीं निकलती। अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह ताला आपको सियात कामिल अता फरमाए। हाँ जी हबीबुल्लाह, आपने तैयारी पकड़ ली स्कूल जाने की, इन्होंने नाश्ता करना है, इनके लिए नाश्ता बनाना है अभी। जी, नाश्ता जो बना हुआ है, बस उसको बैग भी दे रहे, को बैग आज इनको जाएं इकट्ठे देंगे। अच्छा अच्छा, खुबैब कहाँ गया? वो तैयार हो रहा है। चलें सही हो गया, सही हो गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारे यहाँ इफ्तारी का प्रोग्राम है, और उसका भी फिर हमने वो करना है इंतज़ाम। अभी फ़िलहाल जो है ना हम जाएंगे मंडी पे, सब्ज़ी मंडी पे, वहाँ से फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो हम ले आएंगे, बाकी गोश्त वगैरह वो भी लेना है, एक देख गोश्त की है और दो चावल की, बाकी फ्रूट्स वगैरह भी लेंगे इफ्तारी के लिए इंशाअल्लाह ताला। और पुदीना और साथ धनिया भी लेना है आपने। पुदीना धनिया और तो आपको पता होगा, ताजी मिर्चें टमाटर प्याज सब कुछ जो जैसे लेते हैं ना, बहुत तो सब कुछ आपको पता होगा। जो चावल में डालते हैं गाजरी गोभी, गाजर गोभी और छोले डालने हैं, छोले हाँ, चने भी डालने हैं। ओ, चने तो नहीं आए, पहले तो भिजवा दिए थे मैंने, पानी में भिगो कर रख दिए थे। हाँ, चन्ने यूसुफ भाई से अभी बोला फिर ले आओ, वो उन्हें भिगो के रख दो, क्योंकि उन्हें जो है ना भिगो के रखना पड़ता है काफी देर। हाँ। वैसे सेकंड टाइम बनेंगे ना? उस दिन भी सेकंड टाइम बने थे, लेकिन मैंने सुबह सुबह उसको पानी में भिगो के रख दिया था। अच्छा हाँ। तो फिर आप इस तरह कर लेना, उबाल लेना, पूछ लेते हैं फिर वो कुक से, ठीक है? अगर आ जाए तो फिर अभी भी टाइम है। अच्छा हाँ। चलें सही होगी, मैं फिर पता करता हूँ। अभी बोला आज खैरियत है, परेशान हो क्यों? परेशान हो आज है ना, डॉक्टर साहब हाँ। देखूं तो इधर इंतजाम करना अंदर। अच्छा हाँ। क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये घर पे नहीं होंगे, और लकड़ी वगैरह इधर पड़ी है, आप काम में बिजी होंगे, वो खुद जो ना उठा के ये बनाता है। अच्छा ठीक है, चलें जी देखते हैं। हाँ, देखते। मैं फिर वो पता करता हूँ चन्नू का, और चने भिगो के रख देते हैं ताकि वो जो है ना कुछ वो हो जाए, फूल जाए, फूले हो जाए। हैं अभी बोला क्योंकि खाना है, कुछ लेना है, है? मौसम आज बिल्कुल साफ है, कल भी साफ था, कल भी गर्मी थी, और आज भी महसूस हो रहा है कि मौसम जो है ना कुछ गर्म होगा। यूसुफ भाई ने कहा कि चने जो है ना उसी वक्त कुक खुद उबाल लेगा, आप जो है ना ये तकल्लुफ ना करें। अच्छा जी। हाँ जी, आपको समझ आ गई? चलें शुक्र है।
हाँ, उसने कहा कि वो खुद जो है ना उबाल लेगा, आप टेंशन ना लो, उसी वक्त जो है ना देख के अंदर उबाल लेगा। ओके ओके, वो ना दीवाने का मौसम है। हाँ अल्लाह खैर, तरबूज आए हुए हैं वो भी लेने हैं, स्ट्रॉबेरी लेंगे, खरबूजा लेंगे और खजूर और क्या क्या चीज, और दूध भी लेना है। हाँ स्ट्रॉबेरी जो लेनी है ना वो कूले वाली नहीं लेनी। हाँ वो खराब हो जाती है जल्दी। अच्छा, स्ट्रॉबेरी का हमने जूस भी बनाना है। जूस बनाना है? हाँ जी। वो कैसे बना? मिल्क शेक चलें जी, दूध के अंदर। फिर तो दूध भी लेना पड़ेगा। हाँ जी, दूध में वो कह दूंगा अजीज मसाद को। हाँ, वो रख देगा, शाम को हम उठा लेंगे। हाँ, जब इफ्तारी का टाइम होगा तो पहले सोना सब कुछ बनाना पड़ेगा। फिर लगा देंगे बाद में जो है ना, हम तो इधर आ जाएंगे क्योंकि मर्द होंगे ना काफी सारे। हाँ जी, फिर रात का काम है। हाँ बाकी वो मस्जिद में इफ्तारी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ कुछ दोस्त वगैरह हैं वो आएंगे, इधर ही करवा लेंगे उनको। ठीक है, हबीबुल्ला कह रहा था मेरे लिए स्ट्रॉबेरी लेते आना है। स्ट्रॉबेरी इसको जो ना अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, है? चलें जी मंडी से इंशाल्लाह ताला स्ट्रॉबेरी काफी सारी लेते आएंगे। ठीक है, आप भी खाना और रोजे भी इफ्तार करवाएंगे सबको। और एक कमेंट आया हुआ था इंडिया से, जुनैद भाई है हमारे, तो वो पूछ रहे थे कि इंडिया वाले आपको कैसे लगते हैं। तो प्यारे भाई, इंडिया वाले भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत प्यार है हमें उनसे, क्योंकि काफ़ी सारे बहन भाई हमारे फ्रेंड्स, हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबर इंडिया से हैं और हम दिल से उनकी कदर करते हैं क्योंकि वो हमारे पड़ोसी भी हैं और बहुत प्यारे हैं हमें तो बहुत ज़्यादा। अब जो है ना बस मैं चलता हूँ, टाइम भी काफ़ी हो गया है। हबीबुल्ला ठीक है, मुआविया कहाँ गया? नहीं इधर रक्षा नहीं है भाई का। चलें फिर चलते हैं, अल्लाह खैर करे, मंडी पे वहाँ से जो है ना फ्रूट्स वगैरह लेते हैं फिर वापस आते हैं इंशाल्लाह ताला। गोश्त भी लेने हैं। हुमैरा तैयार होके जा रही है और बच्चियों को बुलाने के लिए, ये देखें जी स्कूल की तैयारी हो चुकी है और इनकी भी हो चुकी है, नाश्ता कर लिया है। हनीफ भाई आ रहे हैं, हम जा रहे हैं ना मंडी पे तो इनको साथ लेके जाएंगे। हनीफ भाई अभी तक आया नहीं, फ़ोन किया है कब का मैंने, वो आ जाए तो फिर चलते हैं। क्या देखना अभी बोला सर को? क्यों, मैंने आपको कहा था छुट्टी करो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, अगर मैं दाबी ठीक हूं, हम दाबी ठीक हैं, जा बरा खुश रहे बाद रास्ते मुस्कुरा रहे पूरे की तरह, जो मेरा चैनल पे नया कर सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट। हां जी, कल इन्होंने छुट्टी की थी, मैंने तो नहीं कहा था, अब कह रहे वो प्रिंसिपल को कॉल करो, हमें कुछ ना कहे हैं, मैंने कहा था छुट्टी करो। हैं अभी बोला अपनी मर्जी से छुट्टी की, अब मैं क्यों कहूं टीचर को, मुझे ये बताओ आप हैं? हैं? आज फिर डांट पड़ेगी इन्हें, डांट खानी पड़ेगी आपको हैं? हाँ जी हनीफ भाई आगे है और भाई आवाज को मैं बुलाता हूँ फिर चलते हैं। फाइनली हम पहुँच गए हैं जी सब्जी मंडी पे, ये हमारे शहर की सब्जी मंडी है, शहर कोटा धोबी। ये देखिए जी, अंदर दाखिल होते हैं और फिर लेते हैं अपने सामान वगैरह। ये है जी सब्जी मंडी माशाल्लाह, तरबूज भी आ गए हैं जी बड़े बड़े, ये देखें जी तरबूज माशाल्लाह। जी तो स्ट्रॉबेरी हमने ले ली है, अब जो है ना इसको पैक कर रहे हैं गट्टू के अंदर फिर ले चलते हैं। तो खरबूजा भी हमने ले लिया है जी यहाँ से, ये खरबूजा जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये भी हमने ले लिया है। सामान हमने कुछ ले लिया है, तरबूज जो है ना वो सही हमें मिले नहीं, तो गोश्त भी हमारा आ चुका है ये देखेंगे। बाकी सामान भी हमने डिक्की के अंदर रख दिया है, गोश्त का हमने ऑर्डर दे दिया था, हमने कहा कि वापसी जो है ना लेते जाएंगे, तो ये भी तैयार हो चुका है, अब पैसे देते हैं फिर चलते हैं इंशाल्लाह। जी तो फैमिली हम घर पहुँच चुके हैं और ये देखें जी स्ट्रॉबेरी माशाल्लाह, हमने बहुत ही प्यारी प्यारी फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली है ये। हाँ जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। अब जो है ना इसको निकाल के आप फ्रिज के अंदर रख दें। हाँ इसके ना, हाँ फ्रिज के अंदर रख दें। और बाकी सामान जो है ना वो अंदर हमने रख दिया है, कुछ गाड़ी में मेरे ख्याल में पड़ा है, गोश्त भी आ चुका है, खरबूजे वगैरह वो भी हम जो है ना रख देते हैं और फिर हमने जाना है मुजफ्फरगढ़। फिर
खैरियत? हाँ काम है। इधर काम कौन करेगा? हम फिर वापस आते हैं, अल्लाह खैर करे। ये देखेंगे माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश। ये तो फैल सामान हमने निकाल दिया है, वो जो बोरों के अंदर जो है पैक था, इनको निकाल के अब रखते हैं फ्रिज के अंदर, ताकि ये जो है ना इसी तरह फ्रिज फ्रिज रहे। हाँ जी, कुछ सामान जो ना आ रहा है। हाँ जी, वो कुछ रक्षे पे है सामान, वो देखूंगा, वो जो है फिर बाद में रिसीव करेंगे। बिस्मिल्लाह। जी तो माशाल्लाह कुक साहब भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सही। क्या हाल है सही? अल्लाह भी ठीक हो, तबीयत से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। साला नी में बनावणे भी ता ई में बनावणे भी सुने भी। हां साला न होवे तो माशाल्लाह देगे जो है ना अब वो पकने लगी हैं। हम गए थे वो मुजफ्फरगढ़ जा रहे थे, लेकिन हम जा नहीं पाए वो, क्योंकि हमारे एक बंदे का मसला बन गया उसके साथ, इसलिए फिर हमें वापस आना पड़ा। और बच्चे भी इधर ईंट वगैरह ढो रहे हैं, साइड पे कर रहे हैं, और लकड़ियाँ वगैरह लगा दी हैं। देखें पकाते हैं फिर इंशाल्लाह ताला इफ्तारी करवाएंगे। ये इफ्तारी का अहतमाम कराया है जी हमारे भाई हैं यूके से, कासिम जब्बार अब्दुल जब्बार। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तो तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, हमारी दुआ है। तो उन्होंने ये अहतमाम किया है इफ्तारी का, तो इंशाल्लाह ताला मस्जिद में जा के करवाएँगे। कुछ दोस्त वगैरह आ रहे हैं, इधर करवाएँगे इंशाल्लाह ताला, और बाकी मस्जिद में। तो जो घरों में पहुंचा सकेंगे घरों में भी भिजवाएंगे इंशाल्लाह ताला, जो बेचारे यहाँ पे गरीब लोग हैं तो उनके घरों में भी ज़रूर भिजवाएंगे। यहाँ पर जी गाजरें कटाई हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं बंद गोभी, गाजरें और चने भी हैं, प्लेट वगैरह दस्तरखान ये भी हमने मंगवा लिए हैं, और आटा वगैरह जो है ना इधर मेरा ख्याल में रोटियाँ लग ही जा रही हैं। ये देखें हाँ जी, चावल छोले जो है ना वो उबाल चुके हैं सामने देख चुके। हाँ ये हैं जी चने। ये तो मेरा कैमरा भी इसने खराब कर दिया। हाँ अब ठीक हो गया, रोटियां लगना शुरू हो गई हैं जी। इंशाल्लाह ताला इफ्तारी से पहले पहले हम रेडी हो जाएंगे। बंद गोभी यहाँ पर कटाई हो रही है जी, छेती करें जी, टाइम भी कम है। और यहाँ पे अदरक वगैरह सब्ज मिर्चें इनकी जो है ना कुटाइयाँ हो रही है। तले तले बैक रहे एक तले हार्ड जगह रख। यहाँ से जी दही और दूध हमने उठाना है। दूध कौन सी बाल्टी में है? दूध इसी बाल्टी में दे रहा हूँ, बाल्टी फिर वापस जल्दी पहुँचा देना। अभी भिजवाते हैं इंशाल्लाह। दही ये आ गई और कहाँ है, और ये पड़ी है जी। दूध भी उठाते हैं ले चलते हैं जी। जी तो दूध और दही हमने उठा ली है, ये है जी दूध, और नहीं भाई ने उठाई हुई है दही। देखे भी बन रही है, और ये दूध जो है ना दूध के हम बनाएंगे मिल्क शेक, वो स्ट्रॉबेरी वाला। तो इफ्तारी करवाएंगे इंशाल्लाह। बादल भी काले काले आ गए हैं। हाँ जी ये देखें जी, काले घने बादल पूरे आसमान के ऊपर छा चुके हैं। मौसम बहुत ठंडा है माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त मौसम बना हुआ है। आपकी दही आ गई जी, वो पड़ी है 2.5 किलो। ठीक है कहे ना आप अंदाजा करे अलहदा यारो, पहले पाती पी है संगेन रखी है और इसका बनाएंगे रहता हम अंदाजा। बाकी देख जो है ना पहले वो गोश्त वाली चढ़ी हुई है। यहाँ पर जी भाई आवाज बना रहे हैं अलहदा नमकीन गोश्त, ये जो है ना इसमें दही शामिल है, घी नहीं डालना पड़ेगा। मिसाले वगैरह जो है ना वो डाल रहे हैं, और सब्ज मिर्चों का पेस्ट भी चला गया है, टमाटर भी और दही भी, और ये मिसाले वगैरह इसको फिर ढक देंगे। ये नमकीन गोश्त है जी, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनता है। अब हो रहा है जी इस तरह मिक्स, सब इज्जा जो है ना वो शामिल कर दिए हैं। बहुत मोटा चमचा नहीं लगाया जाएगा। अच्छा कितना देर? डेढ़ घंटा। डेढ़ घंटा इसको जो है ना फिर ना ही चमचा घुमाना है ना ही इसका ढक्कन खोलना है, इसको बंद करके चूल्हे पे खड़ा कर देंगे। तेज हो और ना कम हो। हाँ जी ये धीमी आंच पे इसको बनाना है, धीमी भी ना हो और बराबर के बराबर आ जाए। सही है, इसके साथ बैठे रहना, चमचा नहीं लगाना बाद में इसमें। ओके जी ओके। टाइम देखिए, बारिश की वजह से जो ना हमें यहाँ पे आना पड़ा, ये आप देख सकते हैं देखे जो है ना यहाँ पे बन रही है गोश्त वाली देग, तैयार होके उतर चुकी है, और चावल वाली देगे जो है ना वो अभी बन रही है, ये आप देख सकते हैं वो गोश्त वाली है। माशाल्लाह बादल कितने प्यारे लग रहे हैं जी, ये देखें क्या बात है।
माशाल्लाह जी, ये रेसिपी तो तैयार हो चुकी है, ये चाइनीज रेसिपी। एक और देगा अभी बाकी है। यहाँ पर जी फ्रूट्स वगैरह जो है ना उनकी कटाई हो रही है, ये आप देख सकते हैं खरबूजे तरबूज और ये समोसे पकोड़े भी मैं ले आया हूँ। तो ऊपर चलते हैं, सेटिंग आपको दिखाते हैं और मस्जिद में भी इंतज़ाम वो भी दिखाते हैं आप सबको। माशाल्लाह जी, यहाँ पर भी सेटिंग हो चुकी है जी। कुछ मेहमान जो है ना यहाँ पे इफ्तारी करेंगे और कुछ जो है ना बाकी मस्जिद में करवानी है इफ्तारी सबकी इंशाल्लाह ताला। पूरे महीने का प्लान था, पांच थाने का एफआईआर जम डिस्ट्रिक्ट लेवल, यकीन करो एक मर्डर का केस है, एक अबडक्शन फूलों की तरह। तो हबीबुल्लाह खान आपकी खिदमत में मैं हो गया हूँ हाजिर। ये देखिए सूरज भी निकला हुआ है और मैंने हाथ मुँह भी धो लिया है, अभी रोटी खानी है। अभी मेरी नींद नहीं उखड़ रही, अभी भी नींद आ रही है। अब मैं सोऊंगा नहीं, अब जो है मैं खेलूंगा, ऐसे ही है ना, अब जो है मैं खेलूंगा। बाद में रोटी खा ले फिर हम इकट्ठे खेलेंगे। ये जो है ना डोगी आया हुआ है, डोगी ये देखें, ये डोगी आया हुआ है, इसे मैं भगाता हूँ। और देखे डॉगी जो है भाग गया है। अब मैं यहाँ आराम से हवा के मजे लेता हूँ, ठंडी ठंडी हवा खुली हुई है, आप जो है देख सकते हैं बहुत ही ठंडी ठंडी हवा खुली हुई है। मुआवजा जो है ना जा रहा है मंडी पर, ये देखे मोटरसाइकिल पर आगे जो है रिक्शे पर बैठेगा, फिर जो है ये जाएगा मंडी पर और सब्जियाँ खरीद आएगा, फ्रूट लेकर आएगा और हम पे खरीदेंगे और हम पे खाएंगे और भी खरीदेंगे और वो भी खाएंगे। आपको एक मजे की बात बताऊं, बता दूं ना, हाँ बता दूं, हाँ बताता हूँ बताता हूँ। आज जो है ना इतवार है और आज मुझे जो है ना खांसी आ जाती है हर बार। आज जो है ना इतवार है और आज हमारी छुट्टी है। ये आपको मैंने मजे की बात बता दी, मजे ले वहाँ पर जो है चाचू आया हुआ होगा, चाचू जो है ना झाड़ू दे रहा होगा आवाज आएगी। अब जो है ना करो तो खुलवा दिए थे, सब के उधर खुल गए थे और हमारा भी रोजा खुल गया था, हमारा भी रोजा खुल गया था, हमारा तो चरकू रोजा होता है। अब जो है चरकू रोजा रखते हैं, बहुत ही अच्छा रोजा होता है चरकू रोजा। आंटी अंकल अब जो है ना मैं जा रहा हूँ घर, पता नहीं मेरी रोटी बना ली होगी क्या नहीं, अब मैं जा रहा हूँ घर। हाँ रोटी कैसे बना, रोटी आ जाए नहीं बनानी। ये देखे ये जो है ना चूल्हे हैं और बर्तन जो है ना वहाँ पर पड़े हैं नलके पर, आपको जाकर दिखाता हूँ। मैं अब जा रहा हूँ नलके के अंदर। ओह ये सामान कहाँ गया, मैं आपको कमाए पे प्रैंक करता हूँ, तो प्रैंक भी कर लूंगा। सामान जो है ना यहाँ पर पड़ा है, आप देख सकते हैं, ये जरा प्लेटें हैं, ये जरा धुल गई हैं, ये जो है ना हमने धो लिया था, ये शैम्पू है, शैम्पू जो हम इसे नहाते हैं। हाँ एक बात मुझे भूल गई, मैंने जो है ना आज फूलों को नहीं देखा, इनकी जो है ना बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, बहुत ही अच्छी, इसलिए मैं रोना आता हूँ।
बहुत ही अच्छी खुशबू है। क्या यहाँ पर जो है एक लाल फूल उगा हुआ था, ये कहाँ गया? कोई बच्चा ऐसे उखाड़ गया होगा। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी।